भाई वो बारिश हो रही है ना, कम से कम सुबह 4 बजे शुरू हुई है एंड 3 घंटे ना लगातार जो बारिश हुई है ना, इतनी बारिश ना पूरे साल में नहीं हुई भाई जम्मू में। चलो इसका अभी मैं ना आपको डेमो दिखाता हूँ। जो अपना नीचे वाला नाला है ना, उसमें वो पानी आया है ना भाई, हमारे जो वो दिख रहा है ना गेट, वहां तक पानी आ रखा है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ भाई, बहुत ज्यादा बारिश हुई है सच्ची यार। मतलब 3 घंटे बारिश वाला रुका ही नहीं है, सांस भी नहीं लिया भाई, लगातार बारिश हो रही है, लगातार दिख रहा है ना हर जगह पानी पानी हो गया है। आंशु भैया आंशु भैया माय गॉड भाई, इतना ज्यादा पानी मैंने कभी नहीं देखा। दिख रहा है ना हमारी जो पुली बनी हुई है ना, उसके ऊपर से पानी जा रहा है, उसके ऊपर से भाई। ओ भाई पूरी पूरी नहर भर चुकी है यार। ओ भाई इतनी बार ना बचपन में देखा करते थे भाई। ओ भाई दिख रहा है ना कितना कचरा, अरे नीचे पानी पानी हो गया हर जगह। दिख रहा है ना कितना ज्यादा कचरा जा रहा है सीधा भाई। आए पूरे नदियां नाले ना सारे साफ हो जाने हैं, पर ये हमारे खेतों वाली साइड क्यों जा रहा है? ओह माय गॉड भाई, ये पुली से ऊपर पता क्यों जा रहा है? नीचे ना बहुत सारी लकड़ियां ना रुक चुकी है शायद, इसलिए पुली के ऊपर से चले जा रहे हैं। कितनी बाढ़ आ रखी है यार। ओ भाई अपने अपने घर जाने का रास्ता ही नहीं है, दिख रहा है ना। ओह माय गॉड भाई, मुझे लग रहा है जो मलाना वाली साइड डैम फटी है ना, उसका पानी यहाँ पे अभी पहुंचा है, और नीचे वाली साइड भी ऐसा ही है यार। तो भाई अभी ना पुली के ऊपर से पानी नहीं जा रहा है, क्योंकि नीचे आ रहे और लकड़ी आ रही है भाई, ऊपर से इतना कचरा आ रहा है, इतना कचरा दिख रहा है ना, पूरी नहर भर के कचरा आ रहा है। ओ हो, फिर से ऊपर आना शुरू हो गया, क्योंकि नीचे वाली साइड ना एक मोटी वाली लकड़ी थी, पर वो चली गई अभी बाढ़ के साथ, इसलिए पानी ना ऊपर से नहीं आ रहा। हाँ जी किचना मामा आए भाई, मुझे लग रहा है हमारी ना पुली तोड़ देगा सारी ये। वो यहाँ पे हमारी पाइप भी है पानी वाली, सारी टूट जाएगी। भाई दिखने में ना कोई नॉर्मल लग रहा होगा, पर इतनी बाढ़ ना कम से कम 10 साल के बाद आई है सच्ची यार यहाँ पे। और ये सारा पानी पुली के ऊपर से इसलिए जा रहा है क्योंकि नीचे ना बहुत मोटी वाली लकड़ियां रुकी हुई है, वो निकल ही नहीं रही। आपको बताना यहाँ से ना हमारी पानी वाली पाइप है। हाँ जी मामा। और भाई ये पानी थोड़ा नहीं है, यहाँ से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि कितना ज्यादा पानी है यार ये। भाई मुझे लग रहा है हमारी पुली के नीचे जो पाइप है ना पानी वाली, वो टूट जाएगी, मुझे ना सारा साफ करना पड़ेगा, फिर ये सारा पानी ना पुली के नीचे से निकल जाएगा सच्ची भाई। 3 घंटे बारिश हुई है अभी सिर्फ, ये हमारे गाँव का पानी है भाई इतना। भाई नीचे वाली साइड तो पता भी नहीं चल रहा गली कौन सी है और नाला कौन सा है, अभी तो ऐसा लग रहा है ट्रॉली भी नाले में चली गई है। अभी जैसे जैसे बारिश कम हो रही है ना, कम तो नहीं हुई है फिलहाल, जैसे 4 बजे से लगी है सेम टू सेम वैसी है, वैसे वैसे पानी और बढ़े जा रहा है। और भाई यहाँ पे ना मैंने इतना टाइम लगा दिया क्योंकि वो वाली लकड़ी है ना मोटी वाली, उसकी वजह से ना सारा कचरा ना नीचे वाली साइड रुका हुआ है और सारा पानी ना पुली के ऊपर से आ रहा है भाई। तभी मैंने बोला कि मलाना डैम ना 2-4 दिन पहले फटी हुई है, पर यहाँ पे पानी अभी पहुँच रहा है, इवन कि यहाँ पे पानी नहीं आता है उसका, ये तो जम्मू वाला पोर्शन अलग है ना सच्ची भाई। इतनी बारिश भाई, मतलब अभी 3 घंटे बारिश हुई है, सोचो अगर पूरा दिन बारिश होगी ना तो भाई ये गली क्या पूरा एरिया ही जलमग्न हो जाना है। तो हेलो इंडिया, सुप्रभात, की हाल चाल, कैसे हो आप सब? हम सब बहुत ज्यादा बढ़िया। नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है हमारे खूबसूरत शहर जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट से। भाई सुबह से बारिश लगी, अभी नहा के मंदिर जा रहा हूँ। अपना वो नारा है भाई अपना कि बाढ़ आए चाहे दुनिया खत्म हो जाए, अंकुश मंदिर जाएगा तो जाएगा भाई। तो ठीक है अभी नहा लिया है, कपड़े चेंज करे हैं,
इवन की बारिश हो रही है फिर से गीला होना है, पर जाना है तो जाना है। बस इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए लाइफ में। और वैसे भी आपको पता है ना, दोस्त मेरे एक ही दिन मेरे साथ गए, एक एक दिन मेरे साथ गए, दूसरी बार उन्हें साथ जाने की हिम्मत पड़ी नहीं, काफी ज्यादा दूर है ना, पर ठीक है यार, कल ठीक है ना, कोई टेंशन ना किसी का, वेट करना, मैं इसे जाना है अपनी धुन में सवार से, है ना। तो ठीक है, मैं दोस्त आज का दिन शुरू करते, लेकिन खाना जी का नाम जाओ खाना जी की, वापिस आके ना जो पुली के नीचे सारी लकड़ी घुसी हुई ना वो सारी निकालनी है, ट्राई तो करा पर काफी सारे कांटे ना मेरी उंगली में घुस गए। चलो भाई चलते हैं। तो भाई लोग बोले बाबा जी के दर्शन हो चुके हैं, अभी मैं जा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता पैदल, आधा रास्ता ऑलमोस्ट हो ही चुका है, मतलब इस नहर के पास पहुंच चुका हूँ। और भाई बारिश में ना नहर ना बंद कर दी जाती है क्योंकि ऊपर डैम है ना, अगर डैम से उतना पानी आता रहेगा और भी पानी साइडों से आएगा ना तो नहर टूट जाएगी एंड फिर सभी के खेत भी चले जाएंगे, घर भी चला जाएगा। दिख रहा है ना नीचे कितनी ज्यादा गहरी है, पूरी भरी होती है भाई। और आज ना मजा आ गया सच्ची दर्शन करके, वो पता क्यों, बारिश हो रही है ना, कितना ठंडा ठंडा मौसम लग रहा है। और भाई मतलब 10-12 दिन हो चुके हैं ना मेरे को, मतलब आज मैं ना ध्यान लगाने के लिए बैठा हुआ था बारिश में, क्या मजा आ रहा था, ऊपर से बारिश गिरी जा रही थी। और अभी ना ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रही क्योंकि लोग सोच रहे होंगे, वैसे 8:30 हो चुके हैं, लोग सोच रहे होंगे बारिश खत्म होगी फिर जाएंगे मंदिर की ओर, एंड कुछ ऐसा नजारा है चारों तरफ, मतलब कोई भी नहीं है, इतनी ज्यादा हरियाली है, ज्यादा मूवमेंट ही नहीं है, गाँव में फिर लोग ही कितने होते हैं आपको पता ही है। ठीक है, मैं इसे जा रहे हैं घर। भाई ये गली ना सुबह आपने देखी कैसी थी और अभी देखो, अब जाके ना पानी का जल स्तर ना कम हो चुका है, पर लोगों के कच्छे लुंगियां पता नहीं क्या क्या सारा यहाँ पे अटक चुका है, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने फूल लगाए हुए हैं और थोड़े बहुत कांटे भी है, सारे यहाँ पे रुक गए यार। ये क्या हो गया भाई, लोगों के कच्छे मुच्छे सारे यहाँ पे रुक चुके हैं, साफ करना पड़ेगा बाद में। और भाई इतना बड़ा शेद है पुली का, तब भी पानी ऊपर से जाए भाई, और हमारी पाइप भी टूट गई यार, जो दिख रहा है ना पाइप भी टूट गई भाई, अभी इसे ना फिर से जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे ना एक बड़ी वाली लकड़ी रुकी हुई थी, उसकी वजह से टूटी, और मैं ना बारिश में अंधाधुंध जोर लगाए जा रहा था लकड़ी खींचने के लिए, अंतहाजे भाई टूट गई। और भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतना ज्यादा नुकसान हो और हमारे गाँव का मुखिया बाहर ना आए। ले भाई राजू मुखिया जी आ चुके हैं, राधे राधे जी, गले मिल वाले, राधे राधे जी, कहाँ पे गया था राजू, खेतर में, क्या करके आया है, एक गुटका कहाँ से लिया तूने, अट्टी अट्टी, खेतों वाली साइड पानी है बहुत है, बहुत है, बड़क मार दे, इधर देख के यहाँ पे तो पानी भी नहीं है, तब भी उसने सारी पैंट अपनी ऊपर उठा लिया भाई। भाई एक काम बड़ा सही करा आपने, बहुत सारे कमेंट आए थे कि राजू को ना गुटका नहीं देना, पैसे नहीं देने, उसके बाद ना पैसे नहीं दिए, आजकल ना ज्यादा तंग नहीं करता है, कभी कभार ना इसे बोलते हैं ना वो तलब पैदा हो जाती है, गुटखा खाना है, पैसे चाहिए, तो फिर आता है, पर मैं बोलता हूँ पॉकेट चेक कर ले, पॉकेट में कुछ मिलता ही नहीं है, फिर चला जाता है ना राजू। मैं ओके भी आ गया है? चले लंगर खाने है? लंगर खाने चले, चल। लंगर लगा हुआ है, लगा हाँ, चल 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 फिर चल। ले भाई अभी तो घर भी नहीं पहुंचा राजू मेरे साथ, फिर से जाने के लिए रेडी हो गया मंदिर, राजू मोटरसाइकिल लेके चले, चल फिर चलो भाई। वैसे भी अभी ना मुझे फिर से मंदिर वाली साइड जाना है, एक भाई रीजन पता क्या है, लंगर खाने नहीं जा रहा, रीजन पता क्या है आपको पता ना, मेरी मासी ना हमारे घर से 4 लीटर घी लेके गए थे, अभी तक ना उनके घर खत्म ही नहीं हुआ है, पर हमारे घर खत्म हो चुका है, हमें पता नहीं था ना कि हमने भैंस बेच देनी है बाद में, तो अभी मासी से ना फिर से 1 लीटर KG वापिस लेके आना, 1 लीटर घी वापिस लेके आना पड़ेगा, और उनके घर मंदिर से ऊपर ही है, वो भी मंदिर आए होंगे, तो अब मैं लेने के लिए जाऊंगा, 9:30 के आसपास ही आते हैं वो। ये जो कचरा आया लोगों का, ठीक है साफ कर देता हूँ, चलो फौजी भैया। तो अभी मामा ने वही बोला है जो मैंने बोला है ना, लोगों के कच्चे लुंगियां सारी बह के आ चुके हैं, यहाँ पे रुके हुए हैं, सारे साफ करने हैं, मतलब जो कांटे हैं ना वो निकाल देने हैं, फिर अपने आप साफ हो जाना है। आई विश की घर वाले ये ना पूछे कि खाना खा के आया था नहीं, फिर से जाने वाला हूँ, नहीं परती जाना उन्होंने, तू तेरे कपड़े गिले हो दे, कन्ने पानी भी मदा हा, ये रोड तक गंदा नहीं शैल लगा, खाने वास्ते सारे खाने का।
चलो आपको डोगरी समझ नहीं आई होगी, सारे ये बोले हैं कि वो कचरा है ना अभी अभी साफ कर दो, पानी चल रहा है ना, पानी में निकल जाएगा नीचे की ओर। ठीक है कर देते हैं, हमारा कौन सा ज्यादा टाइम लगना है। चले राजू 10 रुपए लेने हैं, चल फिर मेरे साथ काम करवा, चल मैं दिखाता हूँ क्या काम करना है। ठीक है चलो भाई राजू के 10 रुपए, इसे बताते हैं कि 10 रुपए कमाने के लिए कितना टाइम लगता है। बोलो बकरियों राधे राधे जी, इन्हें ना बार भी नहीं बांध सकती, इतनी ज्यादा नाजुक होती है ना, अगर इनके ऊपर बारिश गिर गई ना भाई इन्हें बुखार हो जाता है उसी टाइम। मामा ने कहाँ बोला वो काटने वाला, मैं ना बड़े बड़े जूते भी ले लूंगा क्योंकि भाई अगर जूते नहीं, अरे ऊपर चेक करता हूँ कि पानी आया, आज ना नहीं आया, कल से आपको पता है ना कितना ज्यादा पानी आ रहा था भाई, आज ज्यादा पानी नहीं आ रहा है, आज सारा सूखा हुआ है। एक मिनट बाहर जाके देखता हूँ मैं, कल आपको पता है ना पूरा हमने बारिश में ना 1 घंटा यहीं पे लगा दिया भाई। ले आज दीवार के साथ ना पानी नहीं आ रहा है, सारा पानी ना इसी पाइप में निकल रहा है, पर यही दिक्कत है कि यहाँ पे ना लेंटर ना थोड़ा अलग हो चुका है, मुझे टेंशन हो रही है, शायद ये ना ये ऊपर जो सीमेंट लगाया हुआ है ना वो वाला हिस्सा है ना। चल ठीक है, जो बाद में काम लगाएंगे ना घर का फिर से थोड़ा प्लस डाल देंगे भाई। जो बारिश की वजह से मेन क्या बोलते हैं सॉइल इरोजन हुआ है ना, मेन नुकसान वो अभी दिख रहा है भाई, ऊपर से ना मिट्टी का कटाव वो जा रहा है पर एनीवे ये मिट्टी हमने सारी उठानी है बाद में, पर अभी फिलहाल पैसे कम है थोड़े। वो दिख रही है ना नींव, ये नींव ना सीधी निकालनी है, नहीं तो भाई नहीं निकालेंगे ना उनका घर नीचे आ जाना है सारे, कितनी ज़्यादा मिट्टी आ चुकी है यार, सारा भर गया भाई। और भाई ये वाला काम सही हो चुका है, मतलब पीछे कितनी सारी बारिश हुई है ना सारा पानी ना अंदर ही आता रहता था भाई पहले, अभी सही, अभी पानी अंदर नहीं आ रहा, मतलब पानी बार बार आए ना तो दीवारों को ना खराब कर देता है बार बार। चलो भाई अभी ना मेरे को जूते ढूंढने हैं, जूते कहाँ पे है, ले अभी मैंने संभाल के रखे हुए हैं भाई पहले से, पता चले इनके अंदर ना बिच्छू ना गुस्सा हो भाई, ये भी टेंशन रहती है। और भाई गाय को ना मामा ने सुबह 4 बजे उठ के ना अंदर बांध दिया था, क्योंकि आपको पता है ना गाय के ना इन दिनों में ना पानी और कीचड़ लगने के बाद ना पैर ना थोड़े गल जाते हैं, जिससे हम लोकल भाषा में बोलते हैं बिच्छियाँ हो जाती हैं बिच्छियाँ। चलो अभी मैं इसे घास खाओ नानी ना अभी हालात का जायजा लेने के लिए आए हैं कि कितना नुकसान हुआ है, कहाँ कहाँ पानी निकला हुआ है, दिख रहा है ना सारा घूम के देख रहे हैं भाई अभी ना मैंने जूते पहन लिए सेफ्टी के लिए, क्योंकि इनमें ना काफी ज्यादा बॉटल टूट के आ रखी होती है ना। चलो भाई अपना कार्य शुरू करते हैं, मतलब मेरे को ना साइड से जितना भी दिख रहा है ना कचरा मुचरा सारा काट के ना पानी में फेंक देना, फिर ये नीचे चला जाएगा। नानी मुझे पता क्या गालियां दे रही है कि तू पानी में काम कर रहा है फोन क्यों जूस कर रहा है, अगर पानी में गिर गया ना तो मिलना भी नहीं है वापस नानी को बहुत ज्यादा टेंशन है भाई। और मैंने दिख रहा है ना सारा साफ कर दिया यहाँ से, अभी सही लग रहा है ना भाई, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से कांटे ना नीचे की ओर फेंक रहे हैं, यहाँ से मैं फेंक रहा हूँ ना वो सामने दिख रहा है ना लक्की भाई, वहां से ना एक डंडा लेके ना सारा बाहर निकाल रहा है, मतलब आगे जाके ना सारा रुक जाएगा, वहां से ना हम बाहर निकाल देंगे, जब ये सूखेगा ना आग जला के ना सारा जला देंगे, वो दिख रहा है ना लक्की वहां पे लगा हुआ है सामने। चलो ये थोड़ा बचा हुआ है, लो भाई देखते देखते ना सारा साफ कर दिया अंकुश भाई ने, और ऐसा नहीं है भाई यहाँ से हमने कचरा फेंका और नीचे वाली साइड चला गया, लक्की दिख रहा है ना वो दिख रहा है ना एक डंडा होता है उससे ना पकड़ के सारा बाहर निकाल दिया, मतलब अभी ऐसा है कि धूप निकलेगी ना वो दिख रहा है ना सामने बाहर निकाला हुआ है, धूप निकलेगी ना सारा सूखने के बाद ना जला देंगे। ओ भाई मेरे जूतों में ना पानी भरा हुआ है, दिख रहा है मकड़ियां देखो कहाँ पे चल रही है, अरे बुआ साइड हो जा चल।
भाई अभी ना मैं 11 बजे आया हूँ, पर 11 बजे भी इतने सारे लोग आ रखे हैं। नहीं तो मैं सुबह 6:30 बजे आता हूँ ना, एंड लगातार मुझे लग रहा है 12 बजे तक ना लोग चलते रहते होंगे, पर किसी को थोड़ा ना पता है कि मैं लंगर खाने के लिए आया हूँ। चलो भाई लंगर खाते हैं, देन मासी जी ना मेरे लिए घी लेके आए होंगे, वो लेके चलते हैं। तो भाई मासी से ना घी लेके तो आ चुका हूँ, पर हाफ के जी ना इतना सा होता है थोड़ा सा। मैंने बोला मासी तो आधा किलो थोड़ी ना है, बोलती है हमने दुकान से यही वाला डिब्बा लिया हुआ है, आधा किलो ही दिया था दुकान वालों ने, इवन की मासी ने पैसे तो नहीं लिए हैं। भाई 450 ग्राम है, आधा किलो नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ है। पर अभी टेंशन पता क्या है मेरे को ना, ये रोटी के साथ खाना आता ही नहीं है, मतलब गर्म करके ना पीना पड़ेगा, और आजकल अगर हम पीते हैं ना तो पानी पीते हैं ना ऊपर से गला सारा अंदर सिस्टम है ना सारा फ्रीज हो जाता है। और दूसरी टेंशन ये है कि जितना ये है ना लक्की एक टाइम इतना खत्म कर देता है, उसका फेवरेट है घी, घर में ओनली लक्की खाता है, अंशु भी नहीं खाता, मैं भी नहीं खाता, बाकी कोई भी नहीं खाता, लक्की खाता है। बस लक्की से बचाना है क्योंकि उसने 3-4 किलो पहले भी खाया हुआ है, जी मैं अपने लिए लेके आया हूँ कि थोड़ा दौड़ लगाता हूँ ना, थोड़ा थोड़ा खाऊंगा। वैसे लक्की को पता चल ही जाएगा, चिंटियों से मिठाई थोड़ा छिप सकती है, सही है ना। मैंने बोला था ना लक्की को पता चलेगा ना, हमेशा ढूंढेगा, अभी ढूंढ रहा है। मैंने बोला अगर तू ढूंढ लेता है ना सारा तेरे को दे दूंगा, बट ढूंढ ही नहीं पाएगा भाई। दिख रहा है ना, मैंने बोला है ना ये मतलब घी के लिए पागल हो जाता है, पर ट्राई करेगा ढूंढ नहीं पाएगा मेरे दोस्त। ढूंढ ले, अगर तेरे को मिल जाता है सारा तेरे को दे दूंगा सारा का सारा। भाई वो सामने रखा हुआ है वहां पे। तो मेरे दोस्त टाइम हो चुका है शाम के 4:30, मस्त वाली चाय पी के चुस्की वाली, अभी हम अपने काम पे जा रहे हैं। बट रियलिटी में बताऊं ना, जो घर के काम होते हैं ना इसे पता क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी लूप। इन्फिनिटी लूप का मतलब हुआ है जो काम कभी ना खत्म होने वाले और रोज ना रिपीट होने वाले काम है, मतलब कुछ ऐसा ही है। जैसे मामा जी अभी चले गए हैं घास निकालने के लिए, जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था, और लक्की का काम है जो मतलब बाढ़ आ रखी है ना फिर काफी ज्यादा आड़े ना टूट चुकी है, मतलब जो पानी खड़ा करने के लिए साइड पे बाउंड्री बनाई होती है ना वो काफी जगह टूट चुकी है, लक्की वो रिकवर करने के लिए गया हुआ है। और मेरे को काम मिला हुआ है, क्या काम मिला है मामी, और मामी को देखो बर्तन साफ करने वाला काम। तभी मैंने बोला है घर के काम ना इन्फिनिटी लूप है, सेम काम रिपीट वे में करना। भाई क्या करना है भाई, सही बताऊं ना, ये मैं ना सेकंड वाला टेक ले रहा हूँ, पहले ना फोन की मेमोरी फुल होगी। मामी ने हिंदी में बोला था घास बढ़ना, अभी बोले हाँ जी घास कटना, घास कटना है भाई, काटना नहीं है कटना है। मामी डोगरी ठीक है, हिंदी के चक्कर में बड़ खराब हो जाने हैं सारे। घर वाले मुझे देखे ना थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे हिंदी बोलने की, नानी को छोड़ के बाकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है मैं दोस्त घास काटते हैं, फिर खाली बंदा करे तो करे क्या यार, घर पे। हाँ जी वैसे डोगरी ना पंजाबी भी समझते हैं, सारे समझते हैं, थोड़े बहुत बर्ड तो पकड़ लेते होंगे। और भाई सुबह ना भयंकर वाली बारिश हो रही थी, अभी धूप तो निकली हुई है पर फिर से ना वो काले वाले बादल आ रहे हैं। हाँ जी भाई, इस टाइम अगर आप ध्यान से देखोगे ना सारे घास ही काट रहे हैं। मामी घास काटने के लिए शादी करी हुई है, जहाँ रिवाज है ना। ओ मामी बोली यहाँ पे रिवाज है घास काटने का, याद करो वो सात सात जो कस्मे दी थी, ओ कस्मे दी मामी क्या था वो, सात बचन, सात बचन याद करोगी, उसमें आपने बोला था घास नहीं काटना, अभी घास काटे जा रहे हैं बोला था मामी, अभी मानते नहीं है अभी। अच्छा मामी बोली अभी मानते नहीं है, जबरदस्ती घास कटवाए जा रहे हैं, सही है मामी। बोलो राधे राधे जी।
लो भाई इन्हें ना बाहर भी बांध दिया, पानी भी पिला दिया, अभी काटना है मेरे को इनके लिए घास। वैसे देखा जाए ना गाय की सेवा भी बहुत बड़ा काम है ना, मतलब पुण्य करने के लिए बहुत बड़ा काम है। वैसे ये काम भी वैसे देखा जाए ना इन्फिनिटी लूप है, ख़त्म ही नहीं होता भाई, हमारे साथ ही ख़त्म होगा ये वाला काम भी। चलो सही है यार, गाय की सेवा करने का मौका मिलता है। लो भाई घास तो अपना कट चुका है, हार्डली ना 10 मिनट भी नहीं लगाए होंगे मैंने, पर यार इनके पास भी ऐसे दान में होता है ना नेचुरली, जब वो हाथ लगाते हो ना कट लग जाते हैं, इनके ऊपर भी ऐसा नेचुरली ये कटर टाइप बना होता है, जब भी मतलब इसके कॉन्टैक्ट में आती है ना बाजू, मतलब कट लगना शुरू हो जाते हैं, कुछ ऐसे लगे हुए हैं आजकल। एक बड़ी सही चीज़ है कि आजकल ना मुझे वो कमेंट नहीं आते कि अंकुश तू काम चोर है, काम नहीं करता, सारे बोलते हैं तू काम करता है। वैसे करता भी हूँ यार, तब भी मेरा ना कम से कम 4 किलो वेट कम हो चुका है घर आने के बाद और दौड़ने की वजह से। वैसे भाई यूट्यूबर की ना आदत होती है छोटे काम को ना बड़ा करके दिखाना, जैसे मैंने करके दिखाया कि बहुत ज्यादा घास काटा, फलाना डिमकाना, बहुत ज्यादा मेहनत करी, बट फाइनली 10-15 मिनट में सारा काम खत्म हो गया। देखो घास भी डाल दिया, पानी भी पिला दिया, अभी सारे काम खत्म हो चुके हैं। अभी मैं इसे घास खाएंगे और मैं रेस्ट करूंगा मैं इसे। तो मेरे दोस्त सारे काम खत्म करके ना अभी नहा के यहाँ पे बैठे हुए हैं, एंड यहाँ पे बैठना भी एक ना अलग से वाइब आती है शाम की। वो पता कैसे, जैसे नानी जी के पास बैठा हूँ ना यहाँ पे खाट पे, जो मतलब सुबह ना पंछी पहाड़ों की ओर जाते हैं ना, वो अभी सारे वापस जा रहे हैं। मतलब अभी गांव वाली पूरी शांति है, कोई हल्ले की आवाज़ नहीं आ रही, सिर्फ पंछियों की आवाज़ आ रही है, वो भी कुछ मिनटों के बाद ना सारी शांत हो जानी है। एंड गांव वाला जीवन कितना मस्त होता है ना, कभी कभी हम शहरों में जाते हैं ना, मतलब ऐसा नज़ारा दिखता ही नहीं है, हरियाली दिखती नहीं है, मतलब कमरे में ना कैद हो जाते हैं। पर हमारे यहाँ पे देखो भाई कितना खुला खुला स्पेस है ना, मैं इसे बाहर बैठ के सारा नज़ारा ले सकते हैं पर्यावरण का, इन्वायरमेंट का। दिख रहे हैं ना वो कितने सारे पंछी अभी वापस आ रहे हैं, सुबह पहाड़ों में जाते हैं ना, शाम को सारे वापस चले जाते हैं। तो ठीक है मेरे दोस्त, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको कल नए वीडियो में। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो ना तो सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। राधे राधे जी।